दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, बिरयानी जो है ना वो हर जगह लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो, ये लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। डेढ़ घंटे यहाँ पे रुकने के बाद जो बिरयानी मिली है, और स्माइल देखिए इनके चेहरे पे कितनी अच्छी है। तो अभी देखिए दोस्तों हमारी जो बिरयानी है ना उसकी डेग के अंदर ना आप देखिए डाला जा रहा है चावल। ये देखिए ये चावल डाल दिए गए, तो अभी मटन वगैरह सब कुछ थोड़ा डाल दिया गया, मसाले वगैरह डाल दिए गए, और जो खुशबू आ रही है ना प्रॉपर एक जैसे सर बोल रहे हैं नाटी स्टाइल देसी स्टाइल उसी तरीके की खुशबू आ रही है। तो यहाँ आ गया दोस्तों हमारे दो प्लेट्स, ये देखिए, और फैट के पीसेस देख रहे हो भाई साहब, ये चेक करो जरा। तो जनाब सुबह के बज रहे हैं 3:30। जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं अंधेरा है, अभी उजाला हुआ भी नहीं है, 3:30 बज रहे हैं। हम पहुंच गए जगह पे, निकले 2 बजे थे, ठीक है, डेढ़ घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने। हम कहाँ हैं आज, आए हैं हम होसकोटे, बेंगलुरु से तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर होसकोटे एक जगह है जहाँ पे दोस्तों लोग सुबह सुबह आते हैं बिरयानी खाने। जी हाँ दोस्तों हैरान हो जाओगे आप, सुबह 4 बजे से यहाँ पे 4-5 बजे से बिरयानी मिलनी शुरू होती है, मटन बिरयानी। और भाई साहब इतना क्रेज़ है ना यहाँ पे लोगों को खाने का। हम आए हैं आनंद दम बिरयानी पे, इनकी दम बिरयानी इतनी फेमस है यहाँ पे कि लोग यहाँ पे लाइन लगा के बिरयानी सुबह सुबह, याद रखिएगा इस सुबह की बात हो रही है, सुबह सुबह बिरयानी खाते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं, थोड़ी सी मेकिंग चेकिंग देखते हैं और देखते हैं किस तरीके का पूरा माहौल है अंदर, खा के देखेंगे मज़ा आएगा। आ जाओ। तो लो जी दोस्तों अभी हम आ गए हैं इनके किचन के अंदर, मेगा किचन, क्योंकि यहाँ पे जो ये डीगे रखे हैं ना, पतीले रखे ना बड़े बड़े, आप देख रहे हो 100-100 किलो के जो पतीले हैं उसके अंदर बिरयानी बनती है। और अभी हमारे साथ हैं यहाँ पे ओनर जी, तो आनंद बिरयानी के नाम से फेमस है और यही है जो इसके करता धरता है। सर कैसे दिमाग में आया कि बिरयानी खिलाएंगे लोगों को, सबसे पहले तो ये बताइए कैसे सोचा आपने कि बिरयानी बना के लोगों को खिलाई जाए। और हमें 23-24 ईयर्स का बैक है, हमें खाली 1-2 किलो बिरयानी में स्टार्ट किया। अच्छा। तब हमें खाली फ्रेंड सर्कल स्टार्ट किया, 2 किलो में स्टार्ट किया, तो वो वैसा ही फेमस हो गया, मतलब लोगों को पसंद आने लगा। हाँ पसंद आने लगा, डेली ऐसा ही। मैं फर्स्ट मॉर्निंग एक 5:00 स्टार्ट कर, 5:30 को स्टार्ट किया। इधर के आदमी लोग सभी 5:30 को सभी मार्केट के लिए काम के लिए जाता था वो। अच्छा। हाँ उनका लिए हम स्टार्ट किया 2 kg। अभी आज 1000 किलो घंटा मटन बिरयानी जाएगा। 1000 किलो एवरी संडे। और वो लग भी रहा है देख के ना, जिस तरीके से यहाँ पे जो पतीले लगे हैं ना, फिलहाल तो 2 बन रहे हैं क्योंकि आज वर्किंग डे है, अदरवाइज वीकेंड में आप 1000 किलो तक निकाल सकते हैं, मतलब इस तरीके की एवरी संडे 1000 किलो जाएगा, ट्यूसडे फ्राइडे 300-400 किलो नॉनवेज मटन जाएगा। ओनली 3 आवर्स में। हाँ ओनली मॉर्निंग 6-9। क्या बात है, सुबह सुबह ही मिलती है दोस्तों ये बिरयानी, अगर आप लेट आएंगे तो आपको नहीं मिलेगी, तो जरूर टाइम पे आइएगा। और क्या प्राइसिंग वगैरह कैसा है इसकी? अभी 270 है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 18 रुपीज़। 18 रुपीज़ से स्टार्ट किया था आपने? क्या बात है दोस्तों, 18 रुपीज़ से स्टार्ट किया था और फिलहाल जो टाइमिंग रेट चल रहा है वो चल रहा है 270 रुपीज़, है ना। खुशबू बड़ी लाजवाब आने लग गई है यहाँ से। तो सर ये रेसिपी जो है वो आप ही ने डेवलप की रेसिपी रहेगा? आप ही हमारा ओन, हमारा ओन मेड है वो। अच्छा। हमारा ओन में प्रिपेयर करेगा, पूरा नाटी स्टाइल, इधर सभी नाटी स्टाइल बोलेगा, जिंजर वो सभी, प्याज लहसुन सभी ऑलमोस्ट नाटी स्टाइल, सारा नाटी स्टाइल। नाटी स्टाइल यानी कि दोस्तों देसी स्टाइल में, जैसे कंट्री चिकन होता है ना उसी तरीके से, कंट्री जो है वो मतलब देसी ही सारी चीजें यूज करते हैं। बाद में इधर ये शिप्पी उतना ही, इधर छोटे मोटे विलेज में रहते थे ना, उधर से लेकर आकर मार्केट में कट कर आकर बाद में मटन यूज करता हूँ। अच्छा अच्छा, अलग अलग जगह से शिप्स अरेंज करते हैं, उसके बाद कटवा के फिर वहाँ लेके आते हैं, मतलब। अच्छा, 3 ही दिन चलता है हफ्ते में? हाँ 3 ही दिन चलता है। तो 3 दिन का प्रोसेस यही होता है, सेम प्रोसेस रहता है। क्या बात है दोस्तों, बहुत मज़ेदार प्रोसेस है। अभी बनते हुए भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि देखिए सारे मसाले वगैरह जो ग्रेवी होते हैं पहले स्टार्टिंग में, वो तो सर ने बना दी है ना, अब राइस डालना और आगे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको बनता है, और एंड में करेंगे टेस्ट सर, है ना, टेस्ट करके देखेंगे क्या लाजवाब टेस्ट है ना। चलिए आइए। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सारी की सारी जो लकड़ियाँ हैं ना वो रखी हुई हैं, और लकड़ की आँच पे यानी कि वुडन फायर पे ही हमारा जो बिरयानी है वो तैयार किया जाता है। उसका जो टेस्ट होता है ना दोस्तों वुडन फायर की वजह से और भी ज़्यादा इन्हांस होता है। तो ट्रेडिशनली आपने देखा होगा गैस कहीं भी जहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ें बनती हैं ना वहाँ गैस ही यूज़ होता है, वहाँ लकड़ की आँच पे ही जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं, और यहाँ पे भी जो बिरयानी है वो लकड़ी की आँच पे ही बनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक पतीले के अंदर ना लगभग 120 किलो मटन जो है वो पक रहा है, बिरयानी जो है बेसिकली वो बनेगी। तो अभी मटन वगैरह सब कुछ थोड़ा डाल दिया गया, मसाले वगैरह डाल दिए गए, और जो खुशबू आ रही है ना प्रॉपर एक जैसे सर बोल रहे हैं नाटी स्टाइल देसी स्टाइल उसी तरीके की खुशबू आ रही है, और आप
इस पतीले का अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या? पतीले का जो साइज़ है ना, बहुत ज़बरदस्त, देख रहे हो। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ जो आँच यूज़ की जाती है ना, वो लकड़ी की यूज़ की जाती है। आप देख सकते हैं जो भट्टी है उसके अंदर लकड़ी की जो बड़ी बड़ी सिलियाँ ना वो डाली गई हैं, और इसी की हीट से हमारी जो बिरयानी है वो तैयार होती है। ट्रेडिशनली दोस्तों कोई भी खाना आप देख लीजिए, आपको लकड़ी की आँच पर ही बनता हुआ दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे भी जो बिरयानी है वो कुछ इसी तरीके से बनाई जा रही है। अब इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं पानी ऐड ऑन किया जा रहा है ताकि जो हमारा मटन है वो अच्छे से कुक हो, और इसके बाद इसमें जो चावल है वो डाले जाएंगे और चावल के साथ इसको अच्छे से पकाया जाएगा। फिलहाल देख सकते हो आप जो मटन की कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी, जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, अच्छे से हमारा जो मटन है पक रहा है। मटन के पीसेस में ना मैं देख सकता हूँ फैटी मटन का पीस भी यूज़ किया हुआ है, यानी फैट अच्छी क्वांटिटी में यूज़ किया, जिससे जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। तो अभी देखिए दोस्तों हमारी जो बिरयानी है ना उसकी डेग के अंदर ना आप देखिए डाला जा रहा है चावल। ये देखिए ये चावल डाल दिए गए, सो गाइस मटन को अच्छे से पकाने के बाद, लगभग 70-80% पकाने के बाद इसमें डाला गया है चावल, यानी कि राइस, और वो भी कच्चे चावल। जी हाँ दोस्तों, हर जगह इसको राइस को जो है ना अच्छे से पकाने के बाद उसमें मिक्स किया जाता है, मगर यहाँ पे जो राइस डाला गया है कच्चा ही डाला गया है और उसको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। ये देख सकते हो आप किस तरीके से इसको मिक्स किया जा रहा है, और मिक्स करके इसको दम पे रखा जाएगा, उसके बाद इसको पकाया जाएगा। सो गाइस फिलहाल जो है ये दो पतीले जो हैं वो दोनों चढ़े हुए हैं, और दोनों में लगभग 120 केजी का जो मटन बिरयानी है वो तैयार की जा रही है। अब मटन बिरयानी दोस्तों यहाँ पे ना मटन वो वाला मटन नहीं होता, यहाँ पे शीप मिलता है और शीप को ही मटन बोला जाता है, ठीक है। शीप बिरयानी बेसिकली एक मटन गोट जो है वो अलग हो जाता है, और जो शीप होता है वो अलग हो जाता है। देख सकते हैं क्या फुल ऑन यहाँ जो भट्टी है वो लगी हुई है, जल रही है, और उसी में हमारी जो बिरयानियाँ हैं वो पक रही हैं। सुबह सुबह लोग तो यहाँ पे लोग आ जाते हैं, अपनी लाइन लगाते हैं और अपना जो मील है, जो बिरयानी है वो इंजॉय करते हैं। वैसे देखिए फ़िलहाल तो दो डेगे लगी हुई हैं, मगर यहाँ पे ना जब संडे होता है ना, संडे को क्या होता है कि वीकेंड पे क्या होता है ना, ये सारी की सारी जो पतीले हैं ना वो भी यहाँ पे देखिए दो तीन पतीले और हैं, लगभग 8 पतीले इस तरीके से जो है वो जलाए जाते हैं और इनके अंदर बिरयानी जो है वो बनाई जाती है। सो दोस्तों आज मैं यहाँ पे अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ एक और फ्रेंड हैं जो कि बेंगलुरु के फूड ब्लॉगर हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ें ये कवर करते हैं, अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना जो है ना बेंगलुरु से दिखाते हैं। इनका नाम है दिनेश और इनके पेज का नाम है, सर व्हाट इज योर पेज नेम? दिनेश पर्सपेक्टिव। सो वी डू नो व्लॉग्स इन कनाडा, सो लोकल लैंग्वेज कनाडा। वी हैव अराउंड 48,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम 1 lakh सब्सक्राइबर्स। सो वी हैव बीन कवर्ड मैसूर मंगलूर ऑल ऑथेंटिक फूड्स ऑफ कनाडा एंड ऑल्सो वी यूज नो मोर ऑफ द कुकिंग वीडियोज लाइक फूड, सो वी आर मोर फूड ब्लॉगर, दैट्स व्हाई वी आर वी बोथ कनेक्टेड। या एंड आई हैव सीन हिज वीडियोस, इज डूइंग वेरी अमेजिंग जॉब food fatafat, so it's very, you know, when you break those mutton pieces and all, we used to get tempted whenever we see the videos, so all the best to you too. One thing to ask, why 4 a.m. biryani? Like it's too early to have something like in like heavy meal. Yeah. No, you know the shift, night shift persons and all will be there, no, so after the finishing the work, okay. So they used to crave some food, so they will be hungry, so at that time they also started, and also the biryani lovers like us, no, foodie, so we will be craving foodie 24/7. Drive for we right now today also we drive for almost 35-40 kilometers. Yeah, 35-40 to reach here and to have this tasty yummy. It's a vibe, no? If whenever we are like traveling to 40 kilometers with friends, so we know it's like a kind of a trip. Yeah. So having some good delicious food after so much of travel. So after this, though, then we go to home and sleep. So it's like Sundays very special, and they're open only on the 3 days. So it's a demand like Sundays, Tuesdays, and Fridays, only on those days. And whenever you come like 9 o'clock, the full day will be finished. Yeah. So you won't get the biryani. So we have to come early in the morning. Yeah, very early on the like morning. Like 4 o'clock or 5 o'clock. Yeah. 4 o'clock on Sundays. Maybe on weekdays, less crowd, no? So it will be like 6 o'clock and all. Okay. Nice. Thank you so much. Thank you, guys. Do follow his vlogs. He is making really amazing and informative vlogs in Instagram also, and as well as YouTube also. Yeah. If you understand Kannada, you make in Kannada. Yeah, I make if you understand Kannada, so you can follow him. Otherwise, also if you want to like come to Bangalore to see which type of food you can have here, you can follow him.
दिनेश पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, बिरयानी जो है ना वो हर जगह लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, अभी तो और बढ़ने वाली है। जैसे ही आउटलेट खुलेगा ना भीड़ बड़ी ज़बरदस्त बढ़ने वाली है। हमने कलकत्ता में दादा बाउदी बिरयानी भी देखा और यहाँ पे अभी हम आए हैं आनंद बिरयानी पे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लाइन लगा के, और लगभग ना दोस्तों सवा घंटे हो गए, सवा घंटे से लोग ऐसे ही खड़े हैं लाइन में, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि गेट खुले और बिरयानी खाने को मिले। भाई साहब कमाल का क्रेज़ है यार बिरयानी के पीछे, मैं हैरान हूँ देख देख के कि कैसे कलकत्ता में भी लोगों को देखा मैंने लाइन लगाते हुए, यहाँ भी देखे कितनी सारी लाइन पब्लिक भाई सुबह के। अच्छा खास बात क्या कि ये सुबह सुबह खड़े हैं दोस्तों, अभी 5:30 हो रहे हैं, 6 बजे का इंतज़ार हो रहा है, 6 बजे आउटलेट खुलेगा और 6 बजे अंदर घुसेंगे लोग लाइन लगा के। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों प्लेट्स लगाने की तैयारी हो चुकी है। प्लेट्स जैसे कि मैंने आपको बताया अपने अलग अलग वीडियोज़ में ना बेंगलुरु सीरीज़ में, कि जहाँ पे ना केले के पत्ते के ऊपर चीज़ें सर्व की जाती हैं, हमेशा खाने की जो चीज़ है ना वो आपको केले के पत्ते के ऊपर ही सर्व की जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो प्लेट्स के ऊपर केले के पत्ते जो हैं वो लगा दिए गए हैं। अब थोड़ी ही देर में हमारी जो बिरयानी है वो रेडी होने वाली है और इसी केले के पत्ते के ऊपर सर्व की जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों अब इसके अंदर डाला जा रहा है देसी घी, और घी का जो फ्लेवर है इस बिरयानी के फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है दोस्तों, सच बता रहा हूँ। और देसी घी डालने के बाद ना ये बनाना लीफ से इस बिरयानी को कवर करते हैं। जी हाँ दोस्तों ये देखिए सब कवर कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों डाल दिया गया है, इसके ऊपर से भी कोयला ताकि ऊपर से भी दम लगे और जो हमारी बिरयानी है वो ऊपर से भी हीट हो और अच्छे से दम लगने की वजह से वो पके, है ना, कुकिंग इसकी अच्छे से होनी चाहिए, तभी इसके ऊपर भी कोयला डाला जाता है ताकि नीचे से भी हीट लगे और ऊपर से भी, और अच्छे से हमारी जो बिरयानी है वो दम में जाए। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो नीचे जो भट्टी जल रही थी उसको ना पानी डाल के बुझाया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो बिरयानी है उसमें दम लगाया जा रहा है। नीचे की तरफ से जब आग कम हो जाएगी तब धीमे धीमे आँच पे हमारे जो बिरयानी है ना उसमें दम लगेगा। ऊपर से कोयला डाल दिया गया है, नीचे भी हीट है, तो दोनों तरफ से जो बिरयानी है वो इवनली कुक होने वाली है। यूजली आई हैव सीन लाइक मेनू कार्ड्स नेमिंग मटन बिरयानी चिकन फ्राई ब्ला ब्ला सम ऑल दिस, बट इन दिस होटल दे आर वेरी स्पेशल अबाउट द मटन बिरयानी इटसेल्फ। सो दे हैव मेंशन्ड द प्राइस अबाउट द प्लेट्स, सो इफ इट्स वन प्लेट इट्स 270, सो मेनी पीपल्स दे विल कम नो दे विल गेट सम 7 plates, सो दे विल बी कन्फ्यूज्ड टू हाउ मच प्राइस इट्स प्राइसिंग, सो दे विल बी एवरीथिंग मेंशन्ड लाइक वन प्लेट इज इक्वल टू 270, टू प्लेट्स 3 plates, 5 plates 1350, टिल 10 plates दे हैव mentioned, so it's like that, so it's a different kind of menu card here. और देखिए दोस्तों जैसे ही गेट खुला लोग अंदर आ चुके हैं सीट पे बैठने के लिए, यहाँ पे लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो जरा ये लाइन यहाँ से लंबी पीछे तक लग गई है, और तकरीबन मेरे ख्याल से यहाँ पे कम से कम 200-300 लोग अभी लाइन में लग चुके हैं। ये देखो क्या बात है, देख रहे हो ये लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है, बहुत बढ़िया। सो गाइज फाइनली हमारी बिरयानी ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देखिए ढक्कन हटा दिया गया है और ऊपर जो बनाना लीफ रखा था ना वो भी निकाला जा रहा है। ये देखो ये निकाल दिया है, ये देखो जी क्या बात है, ढक्कन हटते ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और जो बिरयानी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो लो जी दोस्तों फाइनली हमारी बिरयानी तो रेडी हो गई थी, और देखिए सर्विंग के लिए भी अभी निकाली जा रही है, देख रहे हो क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दोस्तों इसके अंदर से, बहुत ही मज़े वाली खुशबू है और सच बता रहा हूँ दोस्तों देखने में तो बढ़िया लग रही है, अब खा के देखेंगे क्योंकि खुशबू तो अच्छी आ रही है, मसालेदार है ना, क्या बात है। ये देखो मटन के पीसेस इस तरीके से निकाल के इसमें बॉक्सेस में डाले जा रहे हैं। सो दोनों पतीले जो हैं दोस्तों खुल गए हैं, उस वाले पतीले में जितना भी मटेरियल है उसको पैक किया जा रहा है अच्छे से बॉक्सेस के अंदर ताकि पार्सल लेके जाया सके, और ये वाला जो पतीला है इसके अंदर से जो बिरयानी निकलेगी उसको सर्व किया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों सर्विंग के लिए बस शुरुआत होने वाली है, बिरयानी की कटिंग हो रही है और अभी बस ये
आप सर्व करेंगे यहाँ से। सामने जो काउंटर देख रहे हो दोस्तों, वहाँ पर टोकन मिलता है, लाइन बहुत लंबी है। जैसे मैंने आपको दिखाया, तकरीबन 300-400 लोग तो अभी से लाइन में लगे हुए हैं, बाहर तक लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर पहले टोकन कटवाएंगे और उसके बाद इस काउंटर पर आएंगे जहाँ पर हमारी बिरयानी रखी हुई है इस काउंटर के ऊपर, और यहाँ से लोगों को सर्व किया जाता है। ये देखो अब प्लेटिंग लगा दी गई है, फर्स्ट टोकन ले लिया गया है दोस्तों, और ये फर्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे लेने के लिए। क्या बात है भाई, ये तो कहेंगे लकी पर्सन है जो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट प्लेट जो है वो लेके जा रहे हैं। ये देखो ये मिल गया इनको बिरयानी काफ़ी वेट करने के बाद। कितने कितने घंटे वेट किया, हाउ मेनी आवर्स? डेढ़ घंटे यहाँ पे रुकने के बाद जो बिरयानी मिली है, और स्माइल देखिए इनके चेहरे पे कितनी अच्छी है। तो यहाँ आ गया दोस्तों हमारे दो प्लेट्स, ये देखिए बिरयानी की आवाज़। ये इसको टेस्ट करते हैं। और भाई साहब यहाँ भीड़ देख के ना मैं चकरा गया था। सुबह दोस्तों 6 बजे बिरयानी खाने के लिए यहाँ कम से कम 200 लोग इकट्ठे हो गए थे। भाई साहब क्या ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई थी। टोकन सिस्टम है, सबसे ज़्यादा पहले जाके आप अपना पैसे दीजिए, टोकन लीजिए और जाके अपने काउंटर से अपनी बिरयानी लीजिए। फुल है 270 रुपीज़ की, हाफ है 220 रुपीज़ की, और ओनली मटन बिरयानी अवेलेबल है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं अवेलेबल है दोस्तों। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से इन्होंने दिया है। खैर बनाते हो तो मैंने आपको दिखाया किस तरीके से बना था, और फैट के पीसेस देख रहे हो भाई साहब, ये चेक करो ज़रा। अच्छा ये जो बिरयानी है ना, ये गोट जैसे मटन बोला जाता है बेसिकली, बट मटन बिरयानी इन द सेंस कि यहाँ पे ना शीप को भी मटन बोला जाता है, गोट को भी बोला जाता है। तो ये शीप की है, मतलब गोट की नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, तभी इतना फैटी पीस और ये सब मेरे को दिख रहा है। ज़बरदस्त, ये लीवर का भी पीस आ रखा है ये देखो। और चावल जो है वो भी काफ़ी खिले खिले, यहाँ का स्पेशल कोई चावल होता है। जैसे हमने पहले भी जो बिरयानी खाई थी अंबूर वाली है ना, उसमें जीरा सांभर राइस ही यूज़ किया गया था, और यहाँ पे भी वही राइस यूज़ किया गया है। काफ़ी फ्लेवरफुल होता है और काफ़ी खिले खिले भी होते हैं, छोटे होते हैं नो डाउट, मगर काफ़ी टेस्टी होता है। तो चलिए एक बाइट लेते हैं और देखते हैं भाई, गर्मा गर्म है अभी लेके आए हैं, अब ठंडा हो जाए इससे पहले कि बाइट ले लेते हैं, है ना। मुँह में पानी भी आना शुरू हो चुका है। उससे पहले एक बार ना मैं मटन चेकआउट करता हूँ ज़रा। ओ ये देखो क्या बढ़िया तरीके से मटन दम में पका है, लगभग 1 घंटे इसको दम पे छोड़ा गया था। हाँ मुंह में पानी आना शुरू हो गया, बाइट लेते हैं। क्या बात है, बहुत ही लाजवाब फ्लेवर, इतना अच्छा है ना दोस्तों, आप खाएंगे ना खाते रहेंगे, सच बता रहा हूँ। जैसे हमने अंबूर बिरयानी खाई थी ना, वो काफ़ी जिंजर गार्लिक डालने की वजह से उसका एक फ्लेवर ही अलग हो गया था, मगर इस बिरयानी का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मटन का अच्छा फ्लेवर आ रहा है, राइस काफ़ी अच्छे फ्लेवरफुल है। अमेजिंग सच में दोस्तों, बिरयानी बहुत अच्छी है, और नो डाउट लोग सुबह सुबह क्यों आके यहाँ पर 4 बजे ये बिरयानी खा रहे हैं। देखिए फैट का पीस, जैसे हमारे पटना में भी फैट वाला चर्बी वाला पीस मिलता है ना अलग अलग मटन की डिशेज में, कुछ इसी तरीके से यहाँ भी चर्बी डाली जाती है बिरयानी के अंदर। खैर बनाने का जो तरीका था वो बिरयानी वाला तो नहीं था, है ना, मगर जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। क्या बात, मज़ा आ गया भाई। सुबह सुबह एक प्लेट बिरयानी, सुबह के अभी 6:15 हो रहे हैं, सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट में ये बिरयानी खा रहे हैं। सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, ये सिर्फ पॉसिबल है यहीं पे बेंगलुरु में। बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर होसकोटे करके जगह है, वहाँ पे लोग आते हैं सुबह सुबह बिरयानी खाने, मज़ा आ गया। क्या बात है, खाना तो हमने खा लिया, बिरयानी बड़ी लाजवाब थी। थैंक यू सो मच दिनेश, थैंक यू सो मच ब्रो, यू आर वेलकम, इट वॉज रियली गुड।
The biryani is really tasteful. Okay. And the quantity is really good. I am really impressed with the quantity and the food. Actually, we couldn't finish the full portion of the biryani. Yeah, you know? Okay. So there are more fat with the masala mixed together, the rice portions and all. The early morning biryani, I don't know. people know they have it, but here it's like an. It's a common thing. Common thing. It's yeah, that just an another hotel being served for 4 a.m. like that. बिल्कुल बिल्कुल. तो कहने का मतलब ये था कि बिरयानी तो काफ़ी लाजवाब थी और 4 बजे आके इसको लाइन में लग कर खाना इट्स अ रियली टास्क है. मगर सच में जब आप इसको खाओगे ना तो जो फ्लेवर्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपको बड़ा पसंद आएगी. आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. तो हमें बहुत मज़ा आया. अब इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं. दिनेश के चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा, दिनेश पर्सपेक्टिव के नाम से है, ज़रूर फॉलो करिएगा दोस्तों. इंस्टाग्राम यूट्यूब पर दोनों जगह जाइए, फॉलो करिए. और बेंगलुरु और आसपास के जितनी भी सिटीज हैं आप कवर करते हैं, कवर्ड अमेरिका सीरीज आल्सो लास्ट टाइम, तो आप वो जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको. तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों. नई वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं. बेंगलुरु के और बहुत सारी वीडियोस आएंगी, उसमें मिलते हैं. अभी के लिए टाटा बाय बाय. बाय बाय. डू व्हाट यू लव.